जिले में भारी बारिश के बाद सरकारी संपत्तियों का भारी नुकसान हुआ है। एक तरफ कुमाऊं जो जुड़ने वाला पुल अनिश्चितकालीन के लिए बंद कर दिया गया है, वहीं अंतर्राज्यीय स्टेडियम भी खतरे की जद में आ गया है। वहीं प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण छोड़ जिले की प्रभारी मंत्री रेखा आर्य हल्द्वानी पहुंची। प्रभारी मंत्री रेखा आर्य से जब मीडिया ने पूछा कि आप कुश्ती के लिए आई थी लेकिन आपके जिले में इतनी बड़ी आपदा आ गई, इसका निरीक्षण नहीं किया गया, तो प्रभारी मंत्री रेखा आर्य मीडिया की बातों का बचाव करते हुए गोलमोल जवाब देती नजर आई। गौरतलब है कि प्रभारी मंत्री कुश्ती के द ग्रेट खली के निजी शो का उद्घाटन करने आई थी। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। अधिकारी के साथ में लगातार वार्ता हो रही है और जिलाधिकारी आपदा के निमित्त जो है लगातार बैठ के भी और लगातार उस पर जो प्रस्ताव बनने हैं उसकी भी तैयारी है। निश्चित रूप से स्टेडियम की बात की जाए वहाँ पे देखिए आने वाले समय में स्वाभाविक रूप से उस स्टेडियम का उपयोग आने वाले समय में यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा हिस्सा वो बनने जा रहा है। यूनिवर्सिटी एक्ट, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी एक्ट पारित हो चुका है, आप सबको संज्ञान में है, उसी का वह हिस्सा है। लैंड ट्रांसफर की कार्रवाई इस पर गतिमान है। हम सबकी यही चिंता रही है कि विगत कई वर्षों से उसका उपयोग नहीं हो पाया और आपने ये भी देखा होगा कि जिस समय मैं खेल मंत्री बनी उससे पहले स्टेडियम हैंडओवर में भी नहीं था। आप लोगों के लगातार संज्ञान में आने के बाद में उस हैंडओवर की प्रक्रिया भी हमने चालू करी और उसके बाद से लगातार ऐसा नहीं कि वहाँ पे इवेंट्स नहीं होते, वहाँ पे लगातार इवेंट्स भी होते हैं। ये ठीक है जो लाइमलाइट के इवेंट्स में अभी जैसे हम ये रेसलिंग का देख रहे हैं इस प्रकार के बेशक नहीं हुए होंगे, लेकिन लगातार वहाँ पे बच्चों के प्रैक्टिस, बच्चों की वहाँ पर एक्टिविटीज़ वो लगातार होते हैं। खेल महाकुंभ हमने वहाँ पर किए, आने वाले समय के लिए भी नेशनल गेम का समापन भी हम लोग यहाँ पर प्रस्तावित किए हुए हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि भविष्य में इसका यूनिवर्सिटी के रूप में भी और एक्टिविटीज के रूप में मैडम रेसलिंग में आप शामिल हो गए क्या? वहां निरीक्षण करेंगे आप? तो मैडम अंतिम बार कब तक आप स्टेडियम में? यहां भी पुल बना है, पुल टूटा है, कब तक आप स्टेडियम में? मुझे लगता है कि आप लोग जो है स्टेडियम के परिप्रेक्ष्य में उसकी उपयोगिता को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित है। मैं आपको ईमानदारी से बता सकती हूँ कि स्टेडियम यूनिवर्सिटी का हिस्सा बन रहा है, बनने के लिए पूरी तरीके से हो चुका है और निश्चित रूप से आने वाले समय में जब यूनिवर्सिटी का पूरा जो एक्ट पारित होने के बाद में उसकी जब पूरा ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा, नियमावली तैयार हो जाएगी, तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि वो भी ऐसा निरीक्षण होगा आपका? निश्चित रूप से मैं क्यों नहीं निरीक्षण करूंगी, क्यों नहीं उसकी उसका संज्ञान लूंगी, ये तो स्वाभाविक रूप से हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है और मैं प्रभारी मंत्री होने के नाते तो मेरी तो और जिम्मेदारी है।